वनी के विनोद कुमार आदे को हेसन विद्यापीठ की डॉक्टरेट पदवी घोषित की गई, जिससे उनका हर तरफ अभिनंदन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं विनोद कुमार आदे इस खबर में। वनी के प्रतिभावान कलाकार विनोद कुमार आदे, इन्हें हेसन विद्यापीठ की डॉक्टरेट यह पदवी घोषित हुई है। आदे के सांस्कृतिक और कला क्षेत्र के कार्यों की दखल लेते हुए यह पदवी उन्हें मिलने वाली है और यह पदवीदान कार्यक्रम आने वाली 1 जनवरी को सीनियर अभिनेत्री महिमा चौधरी की उपस्थिति में जयपुर में संपन्न होगा। गौरतलब है विनोद कुमार आदे ये बहुमुखी कलाकार हैं और साथ ही वे वनी न्यूज़ एक्सप्रेस इस वृत्त वाहिनी के संपादक तथा संचालक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विविध लेखन, कविता, पटकथा, नाटक आदि भी लिखे हुए हैं और बचपन से ही उन्हें कला क्षेत्र में रुचि रही है। विविध विषयों पर संशोधन और नवनिर्मित ये उनका स्वभाव है और उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें डॉक्टरेट पदवी मिलने जा रही है। आदे एक उत्कृष्ट रंगोली कलाकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। जिजाऊ जयंती, शिव जयंती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, स्वतंत्र दिन, प्रजासत्ता दिन तथा अन्य राष्ट्रीय त्योहारों को वह स्वयंस्फूर्त होकर और निस्वार्थ भाव से वर्तमान में घटकों पर प्रबोधात्मक संदेश देने वाले रंगोली निकालते हैं। वे एक सृजनशील दिग्दर्शक साथ ही अभिनेता भी हैं और अभी तक उन्होंने अनेक शॉर्ट फिल्म तैयार की हैं जिन्हें पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। वे साइंस मॉडल बनाने में भी एक्सपर्ट हैं। इन मॉडल्स की राज्य स्तर पर भी प्रशंसा हुई है। विविध सामाजिक संगठनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भी वे जुड़े हुए हैं और स्वयं उनकी एक सामाजिक संगठना है श्री गुरुदेव सत्संग सेवा समिति तथा न्यू गाइज युवा मंच के माध्यम से प्रबोधात्मक कार्यक्रम, कला महोत्सव ऐसे विविध उपक्रम उन्होंने लिया है और आज उन्हें हेसन विद्यापीठ के डॉक्टरेट पदवी से सम्मान होने जा रहा है। शून्य से संघर्ष करते हुए उन्होंने शिखर तक अपना सफर तय किया है और उनकी इस सफलता पर हर तरह उनका अभिनंदन किया जा रहा है। CTV भी उनकी इस कला की अभिनंदन करता है। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि दिलदार शेख की रिपोर्ट।